खाइए, आप पेट भर के खाना खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, खाना खाइए। आज आप पूरे दिन दही भी नहीं खाएंगे, फ्रिज का ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जूस बिल्कुल नहीं पियेंगे। आप तो आज मटके का पानी भी नहीं पीना, नॉर्मल पानी आप पियेंगे, जितना हो सके उतना पियेंगे, और पानी में ORS का घोल या ग्लूकोन डी मिला के आप पियेंगे। आया नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय में टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक करतार सिंह तनवर और उन्होंने सेंटर का जायजा लिया, साथ ही लोगों से भी बातचीत की। जानी उनसे कि उनकी समस्याएं और डॉक्टर सहित अभी स्टाफ के सदस्यों से भी जानकारियां ली। अभी फिलहाल यहां पर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लोग आकर अपना पहला और कुछ लोग दूसरा टीका लगा रहे हैं। उसके साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, गाँव के लोग भी मौजूद रहे। तो हम इस चीज़ का कर रहे हैं कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और प्रॉपर तरीके से लोगों को वैक्सीन लगे। तो वो तो आप सभी देख ही रहे हैं कितना अच्छा अरेंजमेंट है लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर आयनगर स्कूल में आज हम हैं। यहाँ पर 5 साइट से यहाँ पर जो है 18-44 के लिए हैं और एक जो साइट नई शुरू की गई है 45+ के लिए है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था से जो है लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं यहाँ पर। और ये तो आप कहीं भी उन लोगों से ही पता करोगे, सब जगह पे इस चीज़ की लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छे सिस्टम के साथ वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार के स्कूलों में किया जा रहा है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैंने भी कई लोगों से बात की है तो सभी लोग इससे बहुत खुश हैं कि सरकार के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था जनरली होती नहीं है। जैसा अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो व्यवस्था की, वार्डवासियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन कराए, वैक्सीन लगवाए, क्योंकि यही एक प्रोटेक्शन है हमारे पास, बचाव का और कोई रास्ता नहीं है। सभी से निवेदन हम बार बार सोशल मीडिया पर भी रोज करते हैं और आज आपके चैनल के माध्यम से भी अपील मैं करता हूँ कि सभी वैक्सीन जरूर लगाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक उपाय है जो हमें बचा सकती है इस महामारी से। और पुनः दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है हमारे स्कूलों में, उसके लिए मैं बार बार पुनः धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का।